इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको दिखाते हैं बेहद हैरान कर देने वाला एक वीडियो। ये वीडियो आया है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां कुछ लोग पुल से कोरोना के मरने वाले शख्स की लाश को राप्ती नदी में फेंकते हुए कैमरे में कैद हो गए। हैरान करने वाला ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि यह घटना बलरामपुर के सिसई घाट की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक डेड बॉडी को नदी में फेंकने वाला शख्स पीपीई किट पहने हुए है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सीएमओ बलरामपुर का कहना है कि कोरोना मरीज के शव को नदी में फेंकने वाले उनके ही रिश्तेदार हैं, जिनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, एक शव को दो लोगों ने मिलकर पुल से नदी में बहा दिया। आप सोचिए, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया होता तो शायद कभी पता भी नहीं चल पाता कि किस तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया इस जाने वाले व्यक्ति का। शव को नीचे से उठाया, देखिए एक ने पीपी किट पहना हुआ है जबकि दूसरा अपने ही कपड़ों में है, और फिर पुल की रेलिंग पर इस शव को रखा गया। तभी वहां से गुजर रही एक कार ने कार को शायद रोका है, देखा है, और फिर नीचे की तरफ फेंक दिया गया इस शव को। बलरामपुर की ये तस्वीर है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिसई की तस्वीर है, और नदी राप्ती नदी है जिसमें ये शव बहा दिया गया। पीपीई किट पहना हुआ एक ये शख्स है। लग सकता है लोगों को कि क्या ऐसा किसी अस्पताल के वार्ड बॉय ने या ऐसे ही किसी शख्स ने कर दिया, लेकिन जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें यह समझ में आया है कि ऐसा करने वाले खुद इस मृतक के जानने वाले ही हैं, उनके घर वाले ही हैं। सोशल मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया, दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में पीपीई किट पहने शख्स के साथ जो लड़का नजर आ रहा है उसे इंडिया टीवी ने खोज निकाला। सुनिए कोरोना मरीज की डेड बॉडी को नदी में फेंकने पर इसने क्या कहा। तो मतलब यहाँ पे लहाफ लेके गए उधर बीच में, तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे, उस साइड में मतलब चेन खोल कर दो पत्थर डालकर हमको नीचे गिराया गया। तो बीच में गिरे, डूब गए, तो गाड़ी घुमा के चले गए। हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रुचि, अब क्या कहा जाए, परिवार के सदस्य ही ये कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अब ऐसे हालात नहीं है कि घर वालों को कोई दिक्कत आ रही हो अंतिम संस्कार करने की। और बलरामपुर ज़िले की जहाँ तक बात है, वहाँ पे अब कोरोना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, हुआ है, तो मौतें भी इतनी नहीं हो रही कि जाके शमशान में उनको जगह नहीं मिल रही थी या लकड़ी महंगी मिल रही थी या बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। ये बहुत ही गंभीर बात है कि कैसे कोई घर वाला शमशान घाट से इस तरह से शव ले जाता है, उसका अपना परिजन कोरोना से मौत हुई है उसकी, और उसको नदी में इस तरह से फेंक देता है। अब दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये सीएमओ ने पहचाना है कि ये प्रेमकांत मिश्रा है जो सिद्धार्थ नगर के हैं। 25 को भर्ती हुए थे, 28 को इनकी डेथ हुई है कोविड से, और कोविड प्रोटोकॉल में इनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनको इनके घर वालों को शव दिया गया था। तो इतनी जानकारी है, तो पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि आखिर इनके घर वाले कौन हैं, कहाँ गए और क्यों फेंका, ऐसा क्या हुआ कि उनको इस तरह से नदी में शव बहाने की जरूरत पड़ी। आपकी टीम ने ढूंढ निकाला है, ये शख्स कौन है, क्या ये भी इसी मृतक के परिवार का सदस्य है?
नहीं देखिए, ये मृतक का परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि जब इनकी मौत हुई कोविड से तो ये शव जो है शमशान घाट, जैसा सीएमओ बता रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार होना था, परिवार वालों को सौंप दिया गया था, ऐसा सीएमओ कह रहे हैं। तो ये जो सौंपा गया, तो ये जो आपको जिसको ढूंढा इंडिया टीवी ने, ये शमशान घाट पे अंतिम संस्कार करने वाला है। तो इससे इन लोगों ने कहा, जो एक और शख्स दिख रहा है, इसका ये कहना है कि उसने कहा कि ये शव नदी तक हमें काम है वहाँ ले चलो, और वहाँ पर फेंक दिया। तो ये शमशान घाट में काम करता है लड़का, जिसको आप देख रहे हैं और जिसकी बात हम सुना रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बिल्कुल हैरान करने वाली है, लेकिन क्यों ये ऐसा किया जा रहा है, इस पर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस परिवार को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।